Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, a very good evening to all of you. So let me check, agar kisi ne abhi join kiya hai abhi tak. So hamare beech mein waise thoda sa lag hai, but I can see that students have not come till yet. तो तब तक जो है मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो हमने कल काम किया था. सो यस्टरडे वी स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इवन दो फ्लो थ्रू पाइप्स लिखा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज इंटरनल फ्लो. कौन सा चैप्टर है ये? इंटरनल फ्लो. तो आप फ्लो थ्रू पाइप्स लिख सकते हैं, इंटरनल फ्लो लिख सकते हैं, डजंट मैटर. हम इंटरनल फ्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स ही सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ एकाध प्रॉब्लम्स रेक्टेंगुलर चैनल्स की भी सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट आज का जो काम है दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल्स ओनली. तो आज आप जो भी फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव करने वाले हैं, जो भी आज आप कैलकुलेशंस करने वाले हैं, वो एक्चुअली वो फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर की दीवार में एक क्रैक आ जाए तो उस क्रैक से लीकेज कितना होगा. अगर आपके पास एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में आपने एक सेंट्रली एयर कंडीशनड सिस्टम लगाया हुआ है, तो हमारे पास क्या एक बड़ा सा एयर कंडीशनर है? उस एयर कंडीशनर से सारी शोरूम्स में, सारी शॉप्स में हम कंडीशनड एयर यानी ठंडी और साफ हवा सप्लाई कर रहे हैं थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैनल. तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना पंप पावर लगाना पड़ेगा ताकि आपको शॉप्स में 2 m³/s की हवा मिले. तो वो वाली जो कैलकुलेशन है वो हम आज करने वाले हैं. और आज हमारा जो मेजर चैनल रहेगा, जो मेजर कंसर्न रहेगा, दैट विल बी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. तो चाहे फ्लो थ्रू पाइप से चैप्टर का नाम, बट इट वुड बी गुड टू कॉल इट एज इंटरनल फ्लो. सो कल हमने जब स्टार्ट किया था तो कल हमने सबसे पहले देखा था कि रेनॉल्ड्स फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है. और फिर उसके बाद हमने देखा था कि यार प्लेट के ऊपर जब फ्लूइड मूव करता है, सो दिस इज हाउ बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड. मगर एक पाइप के इनसाइड या रेक्टेंगुलर चैनल के इनसाइड जब फ्लूइड मूव करेगा तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो हमें दो रीजन दिखाई दिए थे, एक डेवलप्ड रीजन और एक डेवलपिंग रीजन. So, आज कल परसों ये जो 3 दिन है, मैं जितनी भी कैलकुलेशंस करने वाला हूं वो डेवलप्ड रीजन के लिए ही करने वाला हूं. प्लीज माइंड, हम लोग डेवलपिंग रीजन कंसिडर नहीं करेंगे, और उसका एक रीजन भी है, वो रीजन अभी आज आपको पता लग जाएगा. हाय आदर्श, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग. जो लोग बाकी ज्वाइन किए हैं उन लोगों को भी गुड इवनिंग. ठीक है, सो आज का काम काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मगर ये फॉर्मूलाज अगर अच्छे से समझ आ जाएंगे तो जो स्टूडेंट्स एक्सी का पेपर दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स को काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट डेरिवेशन करने वाले हैं. सो एक्सी के जो पेपर दे रहे हैं उनको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा. एसएससी जेई का जो पेपर दे रहे हैं उन लोगों को इन डेरिवेशंस का फायदा नहीं होगा, उनको सिर्फ फॉर्मूलाज चाहिए. क्या चाहिए? फॉर्मूलाज चाहिए. मगर गेट में, गेट एमई, गेट सिविल, इनको भी फायदा है और एक्सी वालों को बहुत सारा फायदा है. ठीक है, सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो आज हमारा काम है, हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल्स को सॉल्व करना चाहते हैं. और टॉपिक का हम नाम लिखेंगे लेमिनार विस्कस फ्लो, या फिर इनफैक्ट ऐसे लिखेंगे फुली डेवलप्ड. क्या लिखेंगे टॉपिक का नाम? फुली डेवलप्ड. हाय दीपांकर, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग. आज हो सकता है कि आभरा लेट हो जाए या फिर ना भी आए. तो आभरा ऑलरेडी आज मेरे साथ 4 घंटे की क्लास कर चुका है. सो हमारी दोपहर को भी थी एक क्लास. सो हम लोग ब्यूएनसी वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे थे, और फिर उसके बाद एक क्लास जो है वो शाम को भी थी. सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया है, तो हो सकता है अभी आए ना, क्योंकि उसका गुड इवनिंग आया नहीं अभी तक. सो फुली डेवलप्ड लेमिनार विस्कस फ्लो, फुली डेवलप्ड लेमिनार विस्कस फ्लो. विस्कस का मतलब ऑब्वियसली है कि हम लोग रियल फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो जब रियल फ्लूइड्स मूव करते हैं तो वहां पे विस्कोसिटी के इफेक्ट्स आते हैं. लेमिनार का मतलब है आज हम टर्बुलेंट फ्लो सॉल्व नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट मैं सही आदमी भी नहीं हूं जो आपको टर्बुलेंट फ्लो सिखा सके. इनफैक्ट पूरी दुनिया में 2020 आ चुका है, पूरी दुनिया में सिर्फ 8 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं टर्बुलेंस की जो सॉल्व की गई हैं, बाकियों के फॉर्मूलाज हमें पता नहीं. फुली डेवलप्ड का मतलब कल समझा दिया था. सो ये समझाया था कि जब पानी पाइप के अंदर एंटर करता है सो आपको बाउंड्री लेयर और फ्री स्ट्रीम दोनों दिखाई देती हैं, मगर जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है तो फ्री स्ट्रीम पोर्शन छोटा होता जाता है, तो आपको सिर्फ फ्री स्ट्रीम पोर्शन खत्म हो जाता है. तो जब फ्री स्ट्रीम पोर्शन खत्म हो जाए और आगे का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो तो फ्लो जो है डेवलप्ड बन जाएगा. सो डेवलप्ड फ्लो का मतलब एक ही है
कि जब फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं कर रही। सो भविन बेटे, तूने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था तो तेरे को बता देता हूं, फुली डेवलप्ड का मतलब है कि जब फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आ रहे। दिस इज व्हाट फुली डेवलप्ड फ्लो इज। ठीक है, सो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम फुली डेवलप्ड लेमिनार विस्कस फ्लो चालू कर रहे हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। एक है फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जो हम आज डिराइव करेंगे, पूरा का पूरा आज डिराइव करेंगे, पॉसिबल वेरिएशंस देखेंगे और कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, गेट के क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन या बुक के क्वेश्चन, और फिर परसों हम सॉल्व करेंगे थ्रू पाइप्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कंसिडरिंग गेट एग्जाम, एस्पेशली सिविल के लिए सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपांकर बेटा, जो मैथमेटिकल टेक्निक होती है ना, वो एनालिटिकल टेक्निक ही होती है। तो दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है एनालिटिकल यानी कि मैथमेटिक्स, और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल से जो आप फॉर्मूलाज निकालते हैं वो इंपीरिकल बन जाता है। तो मैं मैथमेटिकल टेक्निक्स की बात कर रहा हूं जिसमें हम DNS यूज करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, आठ क्वेश्चंस की जो बात की थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बेटा, एट क्वेश्चंस की जो बात की थी, एक बार रिमाइंड कराना क्या बात की थी। सो गाइस चेक करना, अब ये वाला जो केस है, ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर चैनल्स को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर सम एजम्पशंस। तो वही एजम्पशंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप लिख सकते हैं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। लिख लीजिए। अच्छा हाँ, मतलब कि ओवरऑल जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, कहीं पे वॉल्व के अक्रॉस, कहीं पे फैन के थ्रू, इस तरह से। तो वॉल्व में फ्लो, ये एक प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, मैंने भी टर्बुलेंट ही लिख दिया। वॉल्व के थ्रू फ्लो, ये एक प्रॉब्लम हो गया। फैन के थ्रू फ्लो, ये एक प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह से आठ प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ओके, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ प्लीज। ठीक है, अब गाइस देखो, हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमारे पास एक चैनल है, एक पैसेज है। ठीक है, और इस पैसेज का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। कैसा क्रॉस सेक्शन है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। सो ऑब्वियसली एक सेक्शन जो है, सो इसको इनलेट सेक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनलेट सेक्शन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनलेट। सो साथ साथ आप डायग्राम्स बनाएंगे, साफ सुथरे डायग्राम्स बनाएंगे ताकि कोई बुक को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सो इस पैसेज की एक इनलेट होगी, दूसरी आउटलेट होगी, है ना। और हम क्या करेंगे, हम पैसेज को डिफाइन करेंगे किसकी मदद से? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं। तो पैसेज की लेंथ के अलोंग मुझे मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन, ये वर्टिकल में आ जाएगा वाई डायरेक्शन, और ये ऐसे आ जाएगा आपके पास जेड डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं जो पैसेज की लेंथ है वो है एल। पैसेज की लेंथ कितनी है? एल है। पैसेज की जो हाइट है वाई के अलोंग, उसको क्या ले लें, उसको एच ले लेते हैं। और पैसेज की जो विड्थ है जेड के अलोंग, उसको ले लेते हैं बी। क्या ले लेते हैं? बी। तो ये पैसेज की डायमेंशंस दी गई हैं। और मे बी ये चैनल जो है, ये चैनल एक शोरूम में जा रहा है, जहां पे एक ज्वेलरी का शोरूम है। कैसा शोरूम है? ज्वेलरी का शोरूम है। तो ज्वेलरी के शोरूम में क्या करते हैं, बहुत सारी लाइटें लगा देते हैं, तो लाइटों के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है आपको अच्छा खासा हवा का सप्लाई देना पड़ेगा ताकि ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकें, है ना। सो क्वेश्चन ये आता है कि शोरूम के साइज के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया, शोरूम के साइज के अकॉर्डिंगली और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया कि मुझे शोरूम में 10 लीटर पर सेकेंड हवा सप्लाई करनी है एट ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो मुझे डिस्चार्ज पता है। क्या चीज पता है? डिस्चार्ज पता है। सो क्वेश्चन ये आता है कि यहां इनलेट की तरफ जो पंप लगा हुआ है, वो पंप कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा,
वो उस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए पंप को कितना पावर देना पड़ेगा, फ्लो के अंदर स्ट्रेसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेसेस का मतलब है शेयर स्ट्रेस का मतलब है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमें बताएगी मैकेनिकल पावर का डिसिपेशन बताएगी, समझ रहे हैं हम। सो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक तरह से प्रेशर ड्रॉप बोलना चाहिए। तो इनलेट का प्रेशर अगर P1 है, अगर इनलेट का प्रेशर कितना है P1, आउटलेट का प्रेशर कितना है P2, सो लेंथ के अलोंग जो प्रेशर का डिक्रीज आया उसको प्रेशर ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्रॉप। सो हम चाहते हैं प्रेशर ड्रॉप, फ्रिक्शन, पावर रिक्वायरमेंट, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स के बीच में रिलेशन निकालें, ताकि अगर आप आगे जाके किसी फैक्ट्री का, किसी शॉपिंग मॉल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आपको ये फॉर्मूलास पता रहे, ठीक है। ये हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस फ्लो को कंसिडर करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेंगे। क्या करेंगे? एजम्पशंस लेंगे। तो सबसे पहले हम एजम्पशंस लिखेंगे और उन एजम्पशंस के मतलब समझेंगे, तो सारी एजम्पशंस के मतलब समझेंगे, ठीक है ना। सो गाइज, मैं हमेशा बताता हूँ, देखो मेरे को भी अभी बहुत सारे अब काम करने हैं अपने ऊपर, है ना, बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, तभी मैं आपको बेस्ट पढ़ा पाऊंगा। सो अगर कहीं भी लगे कि मेरे से कोई गलती हुई है या मैंने ये मिस कर दिया, तो आप लोग डेफिनेटली इन बिटवीन मुझे बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा बताने का मन भी होता है, पता भी होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, पर यह कि टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है, तेज चलना पड़ता है। बट कहीं भी कुछ ऐसा हो जो एग्जाम से रिलेटेड मिस हो जाए या एग्जाम से रिलेटेड गलत हो जाए, आप लोग डेफिनेटली मुझे बेझिझक कभी भी बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं। सो गाइस, हमारे एनालिसिस में जो सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली अजम्पशन है, वो स्टेडी स्टेट फ्लो है। कैसी है? स्टेडी स्टेट फ्लो है, ठीक है। अब आपको पता है स्टेडी स्टेट फ्लो का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी टाइम का फंक्शन नहीं होती। इसका मतलब रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, या इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी, पार्टिकल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, टेम्परेचर होगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट फ्लो। तो स्टेडी स्टेट फ्लो में प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, एनी प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो गाइस, अगर स्टेडी स्टेट फ्लो है तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? प्लीज बी फास्ट। स्टेडी स्टेट फ्लो है तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? अभी जो मुझे पंखे से हवा मिल रही है वो स्टेडी स्टेट है। क्यों? क्योंकि पंखा एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। हालांकि आप थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस महसूस कर सकते हैं। वो फ्लक्चुएशंस क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि ब्लेड्स के बीच में गैप होते हैं। पर अगर ब्लेड्स का नंबर बढ़ा दें या फिर पंखे के अराउंड ना एक पाइप रख दें, तो हमें जो फ्लो मिलेगा वो बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा, स्टेडी स्टेट फ्लो मिलेगा। तो स्टेडी स्टेट फ्लो अचीव किया जा सकता है, और रियलिटी में ज़्यादातर इक्विपमेंट स्टेडी स्टेट फ्लो पे ऑपरेट करता है। इस टाइम बल्ब से जो लाइट मिल रही है वो कंटिन्यूस लाइट मिल रही है, स्टेडी स्टेट फ्लो है। हाँ, तो गाइस प्लीज बी फास्ट, फटाफट बताओ। मैंने क्या पूछा? भैया फ्लो के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा अगर स्टेडी स्टेट फ्लो है? फ्लो के अंदर एक्सेलरेशन कैसा होगा अगर स्टेडी स्टेट फ्लो है? ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट। दीपांकर, आदर्श, भविन, फटाफट बता दीजिए, क्योंकि मेरे को आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, सो देखो मैं बता देता हूँ हल्का सा हिंट दे देता हूँ, मगर आप क्या कर सकते हैं, वो लोकल एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का जो वीडियो डाला हुआ है वो देख सकते हो। देखो क्या होता है कि हम तो यूलेरियन अप्रोच फॉलो करते हैं, है ना, हम तो यूलेरियन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो यूलेरियन अप्रोच का मतलब क्या है कि हर प्रॉपर्टी को आप एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम लिखते हैं। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वो क्या बन जाएगा? dv/dt बन जाएगा, मगर वेलोसिटी पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dv/dx dx/dt प्लस dv/dtime dtime/dt बन जाएगा, dv/dtime dtime/dt बन जाएगा। हाँ जी, तो dt और dt कैंसल आउट हो गया। अब dx/dt क्या होता है? वो तो वेलोसिटी होता है। तो ये बन गया v/dx + dv/dtime। सो एक्सेलरेशन में दो पार्ट्स आ रहे हैं,
एक्सेलरेशन में बेटा दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और एक लोकल एक्सेलरेशन. कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन, है ना. सो लोकल एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, ये स्टेडी स्टेट फ्लो है. इसका मतलब डेल वी बाय डेल टाइम जीरो हो जाएगा. और डेल वी बाय डेल टाइम क्या होता है? लोकल एक्सेलरेशन होता है. क्या होता है? लोकल एक्सेलरेशन होता है. जहां तक मुझे याद है, शायद मैंने जो लोकल एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की वीडियो डाली है उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया है कि किस सिनेरियो में लोकल एक्सेलरेशन दिखाई देगा, किस सिनेरियो में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दिखाई देगा. तो जब आपके पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज होते हैं तो आपको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दिखाई देता है. और जब डिस्चार्ज या प्रेशर टाइम के साथ चेंज करता है, जैसे जब आप वॉल्व को ओपन करते हैं या वॉल्व को क्लोज करते हैं, तो उस टाइम पे आपको लोकल एक्सेलरेशन दिखाई देती है. सीजनल फ्लक्चुएशन इन रिवर वो लोकल एक्सेलरेशन है, मगर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हरिद्वार टू अलाहाबाद वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है. इस तरह से, ठीक है. फिर नेक्स्ट एजम्पशन ये रहेगी कि मेरे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. कैसा फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये था कि भैया आपकी जो डेंसिटी है वो ना तो पोजीशन का फंक्शन होगी ना ही टाइम का फंक्शन होगी. तो सभी पॉइंट्स पे हमेशा डेंसिटी सेम है. ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, सो आदर्श कह रहे हैं कि थ्री वेन्स की होते हैं. सो पहली बात ये कि अगर नंबर ऑफ वेन्स बढ़ा देंगे फैंस के अंदर, तो जो फ्लो है फॉर द जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेन्स होगा, हवा और ब्लेड्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा. कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शनल लॉसेज बढ़ जाएंगे. फ्रिक्शनल लॉसेज बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल डिस्चार्ज कम हो जाएगा. सो जो नंबर ऑफ वेन्स है वो काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. नंबर ऑफ वेन्स को कम कर दो तो भी दिक्कत है, नंबर ऑफ वेन्स को बढ़ा दो तो भी दिक्कत है. तो एक एप्रोप्रिएट नंबर होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. आओ फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे थे. अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, जब हम एयर कंडीशनिंग डक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एयर कंडीशनिंग डक्ट की बात करते हैं, तो एयर कंडीशनिंग डक्ट में तो हवा का फ्लो होता है और हवा का बल्क मॉडुलस बहुत कम होता है. तो हवा जब इनलेट से आउटलेट पे जाएगी उसकी प्रेशर में चेंज आएगा, और थोड़ा बहुत भी प्रेशर चेंज हो तो डेंसिटी में चेंज दिखाई देगा. सो हवा के फ्लो में डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, डेंसिटी वेरिएबल होती है. मगर बात पता है क्या है कि ये जो एयर कंडीशनिंग डक्ट है इनमें हवा की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब अगर मैं मॉक नंबर निकालूं तो मॉक नंबर क्या होता है? वी बाय सी. तो अगर आप मॉक नंबर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 340. तो मॉक नंबर तो बहुत कम आ रहा है, मॉक नंबर बहुत कम आ रहा है. इसका मतलब जब फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो उसकी डेंसिटी में जो चेंजेस होंगे वो इतने छोटे होंगे कि उनको निग्लेक्ट किया जा सकता है. इसलिए हम डेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी डेंसिटी चेंजेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट. तो जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है वो लेमिनार फ्लो का पॉइंट है. किसका फ्लो है? लेमिनार फ्लो का पॉइंट है. सो गाइज आपको पता ही है लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है, कि फ्लूइड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, और फ्लूइड के अंदर जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे. अब गाइज ये देखिए, आपकी जो फ्लो पैसेज है वो किस डायरेक्शन के अलोंग है? आपकी जो फ्लो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? एक्स वाई या जेड? प्लीज बी फास्ट. एक्स वाई या जेड? हाँ, वेरी गुड दीपांकर, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया. प्लीज बी फास्ट. जल्दी से बता दीजिए कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाई या जेड? आई थिंक फ्लो डायरेक्शन जो है, फ्लूइड का जो मेन फ्लो होगा दैट विल बी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. तो आपका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u, वो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी कंपोनेंट बन जाएगा, और जो y और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स बन जाएंगे, हाँ जी. सो लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है, कि जो आपके ट्रांसवर्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि v, w, वो नेग्लिजिबल होते हैं. तभी तो लेयर्स के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती, है ना, तभी लेयर्स के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती. तो आपका लेमिनार फ्लो जो है वो V, W नेग्लिजिबल है. फिर तीसरा चौथा जो आपका एजम्पशन है, सो चौथा एजम्पशन आप लिख सकते हैं,
चौथा जो आपका एजम्पशन है, हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ही बात करेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ही बात करेंगे। हाँ, सो एक मिनट बेटे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ही बात करेंगे। यस, एयर तो न्यूटोनियन ही होता है और वाटर भी न्यूटोनियन होता है, मगर मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखाओ अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दिस, डायनेमिक विस्कोसिटी दिस, तो फ्लूइड का नाम नहीं दे रखा। अगर फ्लूइड का नाम नहीं दे रखा तो न्यूटोनियन ही लेंगे, और न्यूटोनियन का मतलब होता है कि टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, है ना। न्यूटोनियन का मतलब होता है कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन यानी डी यू बाय डी वाई की पावर 1 होगी। सो भविन बेटा क्या होता है, यस गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, बिल्कुल सही बात है, गैसेस जो होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं, यानी गैस पार्टिकल्स जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाते हैं तो गैस पार्टिकल्स की डेंसिटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। मगर मान लो यहां पे डेंसिटी थी 1.20 केजी पर मीटर क्यूब, यहां डेंसिटी है 1.21 केजी पर मीटर क्यूब, तो चेंज इन डेंसिटी कितना हुआ 0.01, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी कितना हुआ 1.2 × 100। सो अगर परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकालें, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी निकालें, यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 1.2 × 100, तो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी आ रहा है 0.833%। तो ये जो वैल्यू है ये मैथमेटिकली या फिजिकली इतनी छोटी है कि इस परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी को निग्लेक्ट किया जा सकता है और आप एज्यूम कर सकते हैं कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है। अब आप एज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो जो आपके आंसर आएंगे वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, मगर उन अप्रोक्सीमेट आंसर में एरर बहुत कम होगा। तो हमने यही किया है, हमने ये माना है कि जो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी है वो बहुत छोटा है, उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फिजिकली देर इज अ चेंज इन डेंसिटी, इन रियल लाइफ देर इज अ चेंज इन डेंसिटी, बट मैथमेटिकली वो वैल्यू बहुत छोटा है, ठीक है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या था, न्यूटोनियन फ्लूइड्स था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। कैसा क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो फ्लूइड की जो जब हम आगे बढ़ेंगे तो रेक्टेंगुलर चैनल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनलेट पे है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आउटलेट पे है। और हमारी छठी एजम्पशन ये है कि हम सिर्फ डेवलप्ड फ्लो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेवलप्ड फ्लो की बात करेंगे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जब भी फ्लूइड किसी पैसेज में एंटर करता है तो वहां पे डेवलपिंग फ्लो भी होता है और डेवलप्ड फ्लो भी होता है ना। सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर चैनल है, सो जब यहां से फ्लूइड एंटर करेगा, यहां से फ्लूइड एंटर करेगा, सो हमें पता है कि ये आपके पास ऐसे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशंस होंगी, ये आपके पास बाउंड्री लेयर फॉर्मेशंस होंगी, है ना। So, आप क्या कहते हो, इस पोर्शन को बोलते हो डेवलपिंग, इस पोर्शन को बोलते हो डेवलपिंग या एंट्रेंस रीजन, और इस पोर्शन को बोलते हो डेवलप्ड रीजन। क्या बोलते हो, डेवलप्ड रीजन, ठीक है ना। अब जैसे पाइप का एग्जांपल लो, किसका लो एग्जांपल, पाइप का। तो मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि शाह एंड बट्टी करके दो इंडियन रिसर्चर थे, शायद कल बताया था आप लोगों को, है ना। शाह एंड भट्टी करके दो इंडियन रिसर्चर थे, उन्होंने बताया था कि जो एंट्रेंस लेंथ होती है LE, तो बहुत सारी सिचुएशंस में ये एंट्रेंस लेंथ 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप होती है। क्या होती है, 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। अब हमारे पास क्या है, 100 मीटर की एक पाइप है, 100 मीटर की एक पाइप है, और इसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है। कितना डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 100 मीटर की पाइप पॉसिबल है भैया, 100 मीटर पाइप पॉसिबल है, बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, और उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। अब जरा देखना एंट्रेंस लेंथ कितनी आएगी, एंट्रेंस लेंथ आएगी सिर्फ 20 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर। अरे भैया 100 मीटर के रिस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर तो छोटा ही है ना। तो आप क्या करो, आप क्या करो, रिमेनिंग 99.2 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर लो, जो कि डेवलप्ड रीजन है। So, अब इसके अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली जो इसके अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन करेंगे, सो आपने यहां का प्रेशर था P1 और यहां का प्रेशर है P2, यहां का प्रेशर है P1। सो आपने क्या कैलकुलेट किया, P1 माइनस P2, मगर
P1 dash minus P2 और P1 minus P2 इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्रेंस लेंथ कितनी है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर। आपने जिस लेंथ को इग्नोर किया है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, तो आप जो आंसर निकालेंगे वो एक्चुअल आंसर के काफी करीब होगा, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करने वाले हैं। व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गैसेस वी कंसीडर द क्राइटेरिया ऑफ मॉक नंबर, बट व्हेन द गैसेस आर स्टेशनरी लाइक इन कंटेनर और सिलेंडर देन द क्राइटेरिया इज बल्क मॉडुलस। तो दीपांकर बेटा, मॉक नंबर भी अल्टीमेटली बल्क मॉडुलस पे ही डिपेंडेंट है। मॉक नंबर इज इक्वल टू वी बाय सी एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय रो, है ना? ठीक है ना, चलो फिर। सो गाइस, क्लियर है? सारी एजम्पशंस का मतलब पता लगा? सारी एजम्पशंस का मतलब पता लगा? अब गाइस, अब डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, डेवलप्ड फ्लो क्या होता है? तो डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है, सो भविन बेटा देख ले, क्योंकि तुझे ये पता नहीं होगा, डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है, मेरे ख्याल से आपने क्लास नहीं किया ना मेरे साथ बाउंड्री लेयर का। डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लूइड आगे बढ़ेगा, फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये डेवलप्ड फ्लो है। और अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म नहीं रखता तो मुझे डेवलप्ड फ्लो नहीं मिलता। कैसे? मान लो आपके पास एक कन्वर्जिंग पैसेज है। कैसा पैसेज है? कन्वर्जिंग पैसेज है। किस तरह का पैसेज है? कन्वर्जिंग। So, इस सेक्शन पे आपको फ्लो मिल रहा है ऐसा, तो इस सेक्शन पे फ्लो मिलेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होना चाहिए, तभी डिस्चार्ज सेम होगा। इसका मतलब दो वेलोसिटी प्रोफाइल की शेप सेम नहीं हो सकती। तो अगर फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज कर रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज कर रही है, तो अनडेवलप्ड फ्लो बन जाएगा। ठीक है ना सर? फोर्थ एजम्पशन, डीयू बाई डीटी इज स्ट्रेन रेट। नो, du by dt is strain rate. No, fourth assumption. du by dy. Yes, very good. This is strain rate. This is strain rate. Phi dot. और एक बार दीपांकर ने मुझसे पूछा था, सर ऐसी कौन सी केसेस होती हैं जहां phi dot du by dy के बराबर होता है? यही वाला केस होता है कैसे? देखेंगे अभी। यही वाला केस होता है कैसे? देख लेंगे। अच्छा, एक लास्ट assumption और है। तो वो लास्ट assumption क्या कहती है? Effects of side surfaces are neglected. So, आज कुछ न्यूज है बढ़िया साइंस वाइंस से रिलेटेड? यार बाकी न्यूज तो बताना नहीं, आजकल तो बाकी न्यूज तो बेकार ही होता है। कुछ साइंस वगैरह से रिलेटेड है बढ़िया न्यूज, साइंस से या इंजीनियरिंग से? साइंस से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई बढ़िया न्यूज है तो बताओ यार। कुछ साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई बढ़िया न्यूज हो है अक्रम? सो ये पॉइंट मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, शायद नहीं जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो, ये मैंने क्या किया, सेम पैसेज बनाया है। यहां से हम इनलेट देख रहे हैं और यहां पे हम आउटलेट देख रहे हैं सेम पैसेज का। सो मेरे ख्याल से जब फ्लूइड एंटर करेगा, ये ऐसे फ्लूइड एंटर करेगा, तो मैं ये एरोज हटा देता हूं, ये इनलेट है, ये इनलेट है। सो मेरे ख्याल से जब फ्लूइड एंटर करेगा तो पानी की जो लोअर मोस्ट लेयर है या जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये सॉलिड सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। तो क्या होगा? नीचे से और ऊपर से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वो इन सर्फेसिस से जो डिस्टेंस है, यानी कि y, है ना? बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सॉलिड सर्फेस से जो डिस्टेंस है उसका फंक्शन बन जाता है। सो मेरे ख्याल से अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? y लिखेंगे, है ना? तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो y का फंक्शन बन जाएगी। मगर भैया ये साइड सरफेस भी तो है, तो साइड सरफेस के कारण ये वाली लेयर नो स्लिप कंडीशन अचीव करेगी और अल्टीमेटली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो साइड सर्फेसिस से भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा, यानी कि साइड सर्फेस से जो डिस्टेंस है उस पर भी वेलोसिटी प्रोफाइल डिपेंड करेगी। So, इसका मतलब, कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो वाई और जेड दोनों का फंक्शन होगी। हाँ या ना? प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए।
किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी, एक क्रॉस सेक्शन के जो पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वाई और जेड दोनों का फंक्शन है। यस और नो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो प्लीज। बोलो यार, बताओ, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। मगर हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपने ये वाली साइड लिखी थी ना, बी साइड, कौन सी साइड लिखी थी, बी, हम मान लेते हैं कि दिस बी साइड इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू एच, बी साइड इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू एच, जो रियल लाइफ सिस्टम्स में हो सकता है। कैसे, क्रैक फॉर्मेशन में, किसमें, क्रैक फॉर्मेशन में। तो क्रैक में क्या है, क्रैक में क्या है, एक कंटेनर है और उस कंटेनर की वॉल में क्रैक आ गया है, कंटेनर की वॉल में क्रैक आ गया, तो ऐसे क्रैक आ गया है। सो जो क्रैक की विड्थ होगी वो क्रैक की थिकनेस को मुकाबले काफी ज्यादा होगी। सो इन सिनेरियोज में जो साइड सरफेस की बाउंड्री लेयर है वो टॉप और बॉटम सरफेस की बाउंड्री लेयर के रिस्पेक्ट में काफी नेग्लिजिबल है, उनके इफेक्ट्स कम है। सो हम साइड सर्फेसिस के इफेक्ट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, और अदरवाइज अगर मैं निग्लेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा मैथमेटिक्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो मुझे तो सॉल्व नहीं करना आता, मुझे सॉल्व नहीं करना आता, ठीक है ना। काफी कॉम्प्लिकेटेड बाउंड्री लेयर शेप हो जाएगी और मैं राइट पर्सन नहीं हूं उसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं साइड सर्फेसिस के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दूंगा। सो एक्चुअल में साइड सर्फेस है मगर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, एक्चुअल में साइड सर्फेस है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब सिर्फ टॉप और बॉटम के कारण बाउंड्री लेयर बन रहा है, टॉप और बॉटम के कारण, यानी लोअर प्लेट अपर प्लेट, इसलिए बोलते हैं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो ध्यान रखना है, साइड सर्फेसिस हैं मगर उन साइड सर्फेसिस के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। यस और नो प्लीज बी फास्ट, यस और नो प्लीज बी फास्ट। एक्चुअली दीपक, जो हमारा सर्कुलर पाइप है ना, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। उसका रीजन ये है कि वहां पे जो यू है वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन बनेगा जो कि आर, तो वहां पे तो आप कंप्लीट बाउंड्री लेयर कंसिडर करते हैं। मैंने कल क्या बताया था कि सर्कल के केस में क्या होता है कि ऐसे आपको कोन टाइप बाउंड्री लेयर मिलेगी, कोन टाइप फ्री स्ट्रीम मिलेगा, तो वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, उसको सॉल्व करना आसान होता है। तो वहां इस तरह की कोई एजम्पशन नहीं होती, ये एजम्पशन हम सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर चैनल में ले रहे हैं। तो कल जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि हालांकि यू विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, फ्लो थ्रू पाइप्स में भी यू विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, मगर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दें तो ये बन जाएगा यू विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। तो आपका यू एक ही वेरिएबल का फंक्शन रह जाएगा, उसको सॉल्व करना आसान है, इसलिए अलग से कोई अजम्पशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये हम कल देखेंगे, ये चीज हम कल देखेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद, ठीक है। सो आई थिंक दीज आर ऑल दी अजम्पशंस, ध्यान रखनी है, स्टेडी स्टेट फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, लेमिनार फ्लो, न्यूटोनियन फ्लूइड, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, डेवलप्ड फ्लो और साइड सर्फेसिस का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब काम करना चालू करते हैं। सो गाइज, एक काम करेंगे, सबसे पहले अपनी अपर सरफेस और बॉटम सरफेस दिखाएंगे, हमारा जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसका अपर सरफेस और बॉटम सरफेस दिखाएंगे। सो ये आपके पास चैनल है, ये आपके पास चैनल है, ठीक है। और मैं साइड सर्फेसिस को डैश लाइन से दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि साइड सर्फेसिस के कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए साइड सर्फेसिस को डैश लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका ए ऐसे बॉटम प्लेट बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टॉप प्लेट एंड बॉटम प्लेट है, और जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स के अलोंग, ये आपका है वाई और ये है जेड। अब मेरे ख्याल से लेमिनार फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब क्या है कि जो फ्लो है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, जो लेयर सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है वो जीरो वेलोसिटी पे मूव करेगी, वो रेस्ट पे होगी नो स्लिप कंडीशन के कारण। जो थोड़ी सी अंदर लेयर है वो थोड़ी सी मूव फास्ट होगी, फिर सेकंड लेयर और फास्ट होगी, है ना। इस तरह से लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि जो लेयर्स की शेप है, जो लेयर्स की शेप है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी. किस पे डिपेंड करेगी? क्रॉस सेक्शन पे. जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में अगर सभी साइड से बाउंड्री लेयर बन रही है तो आपकी लेयर्स ऐसे आएंगी, है ना, कंसेंट्रिक रेक्टेंगल्स की तरह. अगर आपके पास सर्कुलर पाइप है, अगर आपके पास सर्कुलर पाइप है तो जो लेयर्स बनेंगी वो इस तरह से कंसेंट्रिक सिलेंडर्स की तरह बनेगी. आउटर मोस्ट लेयर रेस्ट पे होगी और इनर मोस्ट लेयर सबसे फास्ट होगी. हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट. हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट. क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? मगर हम एज्यूम कर रहे हैं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, यानी साइड सर्फेसिस का कोई इफेक्ट नहीं है. सो मेरे ख्याल से जो लेयर्स बनेंगी वो हमारे जो लेयर्स बनेंगी वो अपर और बॉटम प्लेट के पैरेलल बनेंगी और वो लेयर्स हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगी. वो लेयर्स हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगी. प्लीज बी फास्ट. सही कह रहा हूं? प्लीज बी फास्ट. सही कह रहा हूं मैं? ठीक है. सो दिस इज द लेयर फॉर्मेशन इन द फ्लो. दिस विल बी द लेयर फॉर्मेशन इन द फ्लो. ठीक है ना ऑल ऑफ यू? ये फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, फिर देखते हैं इस फिगर को यूज करेंगे. फिर थोड़ी देर में इस फिगर को यूज करेंगे. ठीक है. अब गाइस, सबसे पहली बात, हमारे फ्लो में जो यू है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है. हमारे फ्लो में जो यू है, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है. क्यों? जेड तो हमने देख ही लिया था, साइड सर्फेसिस का कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए जेड का कोई रोल नहीं है. और दूसरी बात, आपने ये भी बोला है कि डेवलप्ड फ्लो है. कैसा फ्लो है? डेवलप्ड फ्लो है. इसका मतलब जब फ्लूइड आगे बढ़ता है तो फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आता. वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आता. तो जैसी वेलोसिटी प्रोफाइल सेक्शन वन पे है, जैसी वेलोसिटी प्रोफाइल सेक्शन वन पे है वैसी ही वेलोसिटी प्रोफाइल सेक्शन टू पे भी है. सो सेक्शन वन को आप डिफाइन करेंगे एक्स वन डिस्टेंस से फ्रॉम द इनलेट. सेक्शन टू को डिफाइन करेंगे एक्स टू डिस्टेंस से फ्रॉम द इनलेट. अब मैं क्या करता हूं, दोनों सेक्शंस पे पॉइंट लेता हूं जिनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है. कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? वाई कोऑर्डिनेट सेम है. तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है. अब भैया, वेलोसिटी प्रोफाइल सेम होने के कारण अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी यू है तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी यू होगी. तो आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स हैं, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है मगर x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, पर फिर भी उनकी वेलोसिटी सेम है. इसका मतलब वेलोसिटी x का फंक्शन नहीं है. वेलोसिटी x का फंक्शन नहीं है. यही डेवलप्ड फ्लो का मीनिंग होता है. डेवलप्ड फ्लो का मीनिंग होता है कि वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, बट बिकॉज ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन डेफिनेटली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ y. ठीक है ना? सो वेलोसिटी ट्रांसवर्स डायरेक्शन का फंक्शन हो सकती है मगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का फंक्शन नहीं होगी. ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी. ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट. है ना? अब देखो, अब हमें पता है कि जब वेलोसिटी प्रोफाइल सेम हो तो हर जगह वॉल शेयर स्ट्रेस भी सेम होता है. क्यों? क्योंकि टाउ जो है एक्स का फंक्शन नहीं रहेगा. है ना, है ना? कैसे? ये देखो, बहुत आसान है. किसी भी पॉइंट पे टाउ कैसे लिखते हैं? म्यू डी यू बाई डी वाई लिखते हैं. किसी भी पॉइंट पे टाउ कैसे लिखते हो? म्यू डी यू बाई डी वाई. अब आपका यू जो है, या फिर म्यू डेल यू बाई डेल वाई. अब जो u है वो x का फंक्शन तो है ही नहीं, तो जब u x का फंक्शन नहीं है तो डेल u बाई डेल y भी x का फंक्शन नहीं होगा. इसका मतलब tau जो है वो x का फंक्शन नहीं होगा. तो अगर आप x के अलोंग मूव करेंगे तो tau की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. मगर मान लीजिए u की वैल्यू है 2y क्यूब,
तो उस केस में डेल यू बाई डेल वाई क्या बन जाएगा, 6y² बन जाएगा। इसका मतलब डेल यू बाई डेल वाई y का फंक्शन हो सकता है, तो आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो y का फंक्शन हो सकता है मगर x का फंक्शन नहीं होगा। टाउ कैन बी अ फंक्शन ऑफ y बट इट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x। ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं, ऑल ऑफ यू जल्दी से बता दीजिए। अब गाइस उसी तरह प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। दरअसल इस तरह की सिचुएशन में जो प्रेशर है वो सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन आएगा। प्रेशर किसका फंक्शन आएगा, सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन आएगा। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। So, क्या होगा, जो z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल्स का कोई मोशन तो है नहीं, तो z डायरेक्शन के अलोंग कोई शेयर स्ट्रेस भी नहीं आएगा और z डायरेक्शन के अलोंग कोई वेट भी नहीं होता, तो z डायरेक्शन के अलोंग इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम होगा। सो प्रेशर विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ z। अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो y डायरेक्शन के अलोंग शेयर स्ट्रेस भी नहीं आएगा, ये मैं दिखाऊंगा। So, y डायरेक्शन के अलोंग शेयर स्ट्रेस भी नहीं आएगा मगर y डायरेक्शन के अलोंग वेट होगा। सो पता है क्या होगा, ये वाला जो प्रेशर है प्लस वेट वो इस प्रेशर से बैलेंस होगा, यानी कि जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जस्ट लाइक हाइड्रोस्टेटिक लॉ। सो प्रेशर विल बी अ फंक्शन ऑफ y। x के अलोंग वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, मगर शेयर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, प्रेशर को शेयर स्ट्रेस बैलेंस करना है, इसलिए प्रेशर एक्स का फंक्शन बन जाएगा, ये हम देख लेंगे, ठीक है। सो क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन में प्रेशर जो है वो एक्स और वाई का होता है, फंक्शन होता है, मगर क्योंकि वाई के अलोंग कोई मोशन नहीं है तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एक चीज बता दूं, जैसे जो आपके रेक्टेंगुलर चैनल्स होते हैं तो रेक्टेंगुलर चैनल्स की हाइट कितनी होगी, मान लीजिए 1 मीटर ले लीजिए, बहुत बड़ी हाइट है ये, जो हाइट ली है ना आपने 1 मीटर की, ये बहुत बड़ी हाइट है, ठीक है। अब वर्टिकल के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल के अलोंग हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगेगा, तो भैया ये प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, 1 मीटर ऑफ एयर। 1 मीटर ऑफ एयर कितना होता है, 1 मीटर ऑफ एयर तो सिर्फ 11.2 पास्कल होता है। इसका मतलब यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, इनके बीच में डिफरेंस है सिर्फ 11.2 पास्कल, जो कि नेग्लिजिबल है। सो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये प्रेशर और ये प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रेशर वाई का फंक्शन नहीं है, प्रेशर वाई का फंक्शन नहीं है। ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, समझ आ गया कि हम प्रेशर को सिर्फ एक्स का फंक्शन लेंगे। जल्दी से बता दो ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ये रेक्टेंगुलर चैनल की फ्लो डायरेक्शन है, इनलेट पे प्रेशर है P1, आउटलेट पे प्रेशर है P2, तो प्रेशर ग्रेडियंट डेल बी बाई डेल एक्स कैसे लिखते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट लिखते हैं प्रेशर एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्रेशर एट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x लिखते हो, है ना। इनलेट सेक्शन को x इक्वल टू जीरो मान लो, आउटलेट सेक्शन को यानी कि x प्लस डेल्टा x को l मान लो, है ना। सो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर एट l नहीं, मैंने बताया बेटा, मैंने ये बताया कि tau इज अ फंक्शन ऑफ y, tau is not a function of x but tau is a function of y। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो velocity profile में कोई change नहीं आ रहा, इसीलिए tau x का function नहीं है, मगर boundary layer formation के कारण यहां की velocity और यहां की velocity different होगी, तो इन दो points के बीच में tau आएगा। अब फर्दर क्या होता है, जब हम ऊपर मूव करते हैं तो शेयर स्ट्रेस घटता है, ये मैंने बाउंड्री लेयर फिनोमिना में प्रूव किया था, ठीक है ना। सो टाउ जो है वाई का फंक्शन बन जाएगा बट एक्स का फंक्शन नहीं होगा। सो ये आपके पास बन जाएगा प्रेशर एट एल माइनस प्रेशर एट जीरो डिवाइडेड बाय एल माइनस जीरो, तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 बाय एल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, P2 माइनस P1 बाय एल। सो आपके पास जो डेल पी बाई डेल एक्स आएगा
डेल पी बाई डेल एक्स आएगा उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल. क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल. मैंने माइनस साइन कॉमन क्यों लिया? क्योंकि पी वन यानी प्रेशर एट इनलेट विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट आउटलेट, और इसको हम बोलेंगे प्रेशर ड्रॉप. क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर ड्रॉप. तो ये बन जाएगा प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. प्लीज ध्यान रखो, प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है पी टू माइनस पी वन, और प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है पी वन माइनस पी टू. दोनों में अंतर है, ठीक है? दोनों में अंतर है. डिफरेंस का मतलब होता है पी टू माइनस पी वन, और ड्रॉप का मतलब होता है पी वन माइनस पी टू. हाउ कैन यू राइट प्रेशर? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैंने ये किया है, मैंने मान लिया कि प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, जो कि रियल लाइफ में भी होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में आता है. तो मैंने ये माना है कि प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स माना है, ठीक है? सॉरी, मैं बोलना भूल गया था. बट इन सिनेरियोज में आपने जो एजम्पशन लिया है उनमें प्रेशर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है? और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है और फ्लूइड न्यूटोनियन है, ठीक है? चलो फिर गाइस, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. अब गाइस हमारे पास क्या है, हमें दो फिगर बनाने हैं. एक तो टू डी फिगर और एक थ्री डी फिगर. दोनों फिगर साथ साथ बना लीजिए. सो ये आपने थ्री डी फिगर बनाया था, ये लोअर प्लेट, ये अपर प्लेट और बॉटम प्लेट, ठीक है ना? सो ऐसे और आपने इन प्लेट्स के बीच में पानी की लेयर्स भी दिखाई थी, है ना? मगर अभी ये लेयर मत दिखाओ, अब एक काम करो, एक पॉइंट ले लो यहां पर. इस पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट आएगा. तो अगर वाई कोऑर्डिनेट दिखाऊं तो वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा. उसी तरह अब एक 2D फिगर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? 2D फिगर बनाएंगे. सो जब आप 2D फिगर बनाएंगे तो 2D फिगर हम एक्स के लॉन्ग दिखाएंगे. ये आपके पास बन जाएगा 2D फिगर एक्स के लॉन्ग. ये आपके पास आएगी y डायरेक्शन, है ना? और z डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आएगी. सो मेरे ख्याल से ये आपने पॉइंट लिया, है ना जी? ये आपने पॉइंट लिया. अब इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर वैल्यू भी होगी और कुछ शेयर स्ट्रेस वैल्यू भी होगी. प्रेशर वैल्यू भी होगी और शेयर स्ट्रेस वैल्यू भी होगी. अब हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है, एक फ्लूइड एलिमेंट लेंगे. क्या लेंगे? फ्लूइड एलिमेंट लेंगे. सो वो फ्लूइड एलिमेंट में भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा. कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, है ना? सो ये आपके पास एक फ्लूइड एलिमेंट आ गया है, जो 3D फिगर में यानी कि लेयर्स के बीच में हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. सो यहां पे बनाता हूं और उस एलिमेंट को रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं. ये आपको एलिमेंट दिखाई देगा 3D में, ठीक है? अब इस एलिमेंट की साइड्स होंगी. क्या क्या साइड्स होंगी? एक साइड होगी डी जेड, एक साइड होगी डी वाई और एक साइड होगी डी एक्स, ठीक है ना? ये इसकी साइड्स हैं. और हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. यानी कि इस एलिमेंट पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे. एलिमेंट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे, और जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे फॉर्मूलाज निकलते चले जाएंगे. ये वही मेथड है जो मैंने आज शाम को कुछ स्टूडेंट्स को बताया था फ्लूइड काइनेमेटिक्स में. मैंने यही बोला था कि सेम मेथड हर जगह सॉल्व किया, यूज किया जाता है, और वही मेथड हम यूज करने वाले हैं. और ये वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स हैं जिसको एक्सपेरिमेंट के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसको विंड टनल के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हमने काफी सारी अजम्पशंस ली हैं. अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम. तो मैं ना 3D में बड़ा फिगर बनाता हूं. सो ये आपके पास एलिमेंट है,
ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट की साइड्स हैं, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट एलिमेंट का सेंटर है। वो पॉइंट कहाँ पे है? एलिमेंट का सेंटर है। वो पॉइंट एलिमेंट का सेंटर है जहां पे प्रेशर है पी और शेयर स्ट्रेस है टाउ। और दूसरी बात, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब जरा देखो फिर से, जब जेड के अलोंग देखेंगे तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये आपके पास वाई डायरेक्शन है, और ये आपके पास एलिमेंट बन जाएगा ऐसे, ये आपके पास एलिमेंट बन जाएगा ऐसे जिसके बीच में प्रेशर है पी। अब अगर आपको याद हो, सो थोड़ा सा अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन याद हो, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास वाई डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे जो प्रेशर है वो है पी। y डिस्टेंस पे प्रेशर कितना है? p। इनफैक्ट ये y और x डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, y और x डिस्टेंस है। तो y कहां से डिस्टेंस है? y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम प्लेट, और x कहां से डिस्टेंस है? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनलेट, राइट। सो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है वो p आ रहा है। अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंपेयर करूं तो इन दो पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है? ये डिस्टेंस है dy, ये कितना डिस्टेंस है? dy। तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा? dy by 2। सो थोड़ा सा टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे तो आपको पता लगेगा इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो p प्लस डेल p बाय डेल y dy by 2 आएगा। याद है क्या किसी को? याद है क्या? यस और नो, प्लीज बी फास्ट। यस और नो, किसी को याद है क्या? मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मगर अगर आप ये एलिमेंट लेंगे, अगर आप ये एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और सेंटर पॉइंट का प्रेशर है पी। तो लेफ्ट साइड का प्रेशर बन जाएगा पी माइनस डेल पी बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू। इधर का प्रेशर बन जाएगा पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू, जिसमें डी एक्स क्या है? डी एक्स इज द साइड ऑफ द एलिमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। उसी तरह यहां का प्रेशर बन जाएगा P प्लस डेल P बाई डेल Y dy by 2, और यहां का प्रेशर बन जाएगा P माइनस डेल P बाई डेल Y dy by 2। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने टेलर सीरीज इक्वेशन लगा के एलिमेंट के हर सरफेस पे प्रेशर लिख लिया। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्रेशर आएगा P माइनस डेल P बाई डेल Z dz by 2, और दूसरी और बैक साइड पे भी प्रेशर आएगा, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी, जो Z की टर्म्स में आएगा। So, ये हमने हर एलिमेंट पे प्रेशर लिख लिया है। क्या लिख लिया? प्रेशर लिख लिया है। दोबारा रिपीट करना दीपांकर बेटा, दोबारा रिपीट करना। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या किया है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाई है। क्या लगाई है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाई है। अब हम तो मान रहे हैं कि प्रेशर वाई का फंक्शन नहीं है, तो डेल पी बाय डेल वाई जीरो हो जाएगा, डेल पी बाय डेल वाई जीरो हो जाएगा, मगर डेफिनेटली प्रेशर एक्स का फंक्शन है। प्रेशर एक्स का फंक्शन है क्योंकि इनलेट पे प्रेशर हाई और आउटलेट पे प्रेशर लो है। उसी तरह प्रेशर जेड का भी फंक्शन नहीं है। सो क्या बनेगा, क्या बनेगा? इस एलिमेंट पे यहां का प्रेशर लगेगा पी, इधर का प्रेशर लगेगा पी क्योंकि प्रेशर जेड का फंक्शन नहीं है, टॉप पे प्रेशर लगेगा पी क्योंकि प्रेशर वाई का फंक्शन नहीं है, बॉटम पे प्रेशर लगेगा पी, प्रेशर वाई का फंक्शन नहीं है, मगर मगर बैक साइड पे प्रेशर लगेगा P माइनस डेल P बाय डेल X dx बाय 2, और फ्रंट साइड पे प्रेशर लगेगा P प्लस डेल P बाय डेल X dx बाय 2। ये आपने प्रेशर वैल्यूज लिखी है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। मेरे ख्याल से टेलर सीरीज का पूछ रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन से लिखा जा सकता है, मगर अभी मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है। सो बहुत आसान है, अगर प्रेशर एक्स का फंक्शन हो तो एक्स प्लस डी एक्स पे प्रेशर कितना होता है? पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स होता है, वहां से आएगा, ठीक है, जिसमें हायर ऑर्डर टर्म्स निग्लेक्ट की जाती हैं। तो अभी के लिए डायरेक्टली नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप इस फिगर को लिख सकते हो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एलिमेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एलिमेंट लिख सकते हो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एलिमेंट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एलिमेंट, ठीक है।
अभी हमने सिर्फ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एलिमेंट लिखा है, मगर इस तरह से एलिमेंट के हर सरफेस पे एक शेयर स्ट्रेस भी आएगा, तो वो शेयर स्ट्रेस भी लिखना होगा, वो वाला शेयर स्ट्रेस भी लिखना होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब हम शेयर स्ट्रेस ऑन एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेयर स्ट्रेस ऑन एलिमेंट लिखेंगे। अब गाइज ये देखो ए पीछे वाले एक फिगर पे जा रहा हूं, ये वाले पे जहां पे आपने एलिमेंट बनाया ऐसे, मगर रेड कलर का बनाया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो दोबारा ही बना लेता हूं। ये एक लेयर है लिक्विड की या फ्लूइड की, ये एक लेयर है फ्लूइड की, ठीक है। इस फ्लूइड लेयर का जो बॉटम से डिस्टेंस है वो है वाई, और हमने एक एलिमेंट बनाया ऐसे, ऑब्वियसली वाई सेंटर पॉइंट तक है, मगर अभी के लिए एज्यूम भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, ऐसे। अब गाइस एक चीज नोट करो, हमारा जो वेलोसिटी है अरे बेटे भूल जाना अभी के लिए, ठीक है, आ जाए इधर अभी। सो वाई जो है बॉटम से डिस्टेंस है, वाई कहां से डिस्टेंस है? बॉटम से डिस्टेंस है। अभी तो हम प्रेशर में भी गड़बड़ कर रहे हैं, अभी तो मैंने प्रेशर में भी गड़बड़ की है, पता है क्या भैया, जब विस्कस फ्लो होता है तो पीएक्स पीवाई पीजेड बराबर नहीं होते, उस हिसाब से आप ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा ही नहीं सकते थे, ये भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो अभी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, नहीं तो हमारा खुद का ही मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा, ना मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ना आप कुछ समझ पाएंगे, और पेपर भी खराब हो जाएगा, है ना। सो इधर ही ध्यान देते हैं। सो गाइस ये जो लेयर है, इस लेयर का बॉटम से डिस्टेंस है वाई, ठीक है, और हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है। अब जरा देखिए, इस एलिमेंट के साइड पे भी कोई एलिमेंट होगा, जैसे कि ये वाला, है ना, ये वाला एलिमेंट, और इस साइड पे भी एलिमेंट होगा ये वाला एलिमेंट। सो मुझे एक बात बताओ, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स, इनका बॉटम से डिस्टेंस है वाई, तीनों एलिमेंट्स का बॉटम से डिस्टेंस है वाई, तीनों एलिमेंट्स का बॉटम से डिस्टेंस सेम है। तो अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो इनकी वेलोसिटी कैसी होगी? अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो इनकी वेलोसिटी कैसी होगी? प्लीज बी फास्ट। अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो इनकी वेलोसिटी कैसी आएगी? अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो इनकी वेलोसिटी कैसी आएगी? प्लीज बी फास्ट। तो दीपांकर बेटा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आएंगे, मगर मैंने बताया ना जो प्रेशर वेरिएशन होगा वो प्रेशर वेरिएशन 12 पास्कल का है हार्डली, तो इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया। वेलोसिटी सेम आएगी, इसका मतलब इन तीन पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है? ये तीन पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम है तो इनका रिलेटिव मोशन जीरो है। अगर इनका रिलेटिव मोशन जीरो है, इसका मतलब ये वाला सरफेस और इसके ओपोजिट सरफेस, इन दो सरफेसेस पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना जी, है ना। ये जो तीन एलिमेंट्स इकट्ठे हैं इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो इनके कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अगर हम हमारे एलिमेंट की बात करें तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये आपका जेड डायरेक्शन है, है ना। हम क्या करते हैं, हम 2D फिगर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स और ये बन जाएगा वाई। सो ये आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है ना। सो हम जिस सरफेस की बात कर रहे थे, ये वाले सरफेस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो इस सरफेस पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह इस एलिमेंट के फ्रंट पे और एलिमेंट के फ्रंट पे अगर कोई शेयर स्ट्रेस आता भी है तो वो शेयर स्ट्रेस या तो y डायरेक्शन के अलोंग होगा या z डायरेक्शन के अलोंग होगा, है ना। हालांकि y के अलोंग होता है, z के अलोंग नहीं होता। सो रियल लाइफ में y के अलोंग होता है, z के अलोंग नहीं होता, मगर मैं इन शेयर स्ट्रेसेस को कंसिडर नहीं कर रहा। क्यों कंसिडर नहीं कर रहा? क्योंकि जो मेरी मोशन है वो x के अलोंग है, तो जो मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखूंगा वो x के अलोंग लिखूंगा, तो मुझे वो फोर्सेस चाहिए जो x के अलोंग है, और ये वाला जो स्ट्रेस है ये y के अलोंग है, तो ये जो फोर्स आएगी ये y के अलोंग आएगी, तो इस फोर्स का x डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होगा।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सो गाइस, जो फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, वो एक्स के अलोंग हो रहा है. तो जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे, आप वही फोर्सेस कंसिडर करेंगे जो एक्स के अलोंग है. इसका मतलब ये वाई वाली फोर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. तो ये जो आपका फ्रंट सर्फेस है और बैक सर्फेस है, इन पे वाई के अलोंग स्ट्रेस आएगा, मगर मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा. ठीक है. अब गाइस, एक चीज नोट कीजिए, इस एलिमेंट के ऊपर और नीचे भी तो एलिमेंट्स होंगे, है ना. ये ऊपर और नीचे भी तो एलिमेंट्स होंगे जो डिफरेंट लेयर्स का पार्ट होंगे, मगर इन एलिमेंट्स का जो बॉटम से डिस्टेंस है वो डिफरेंट है. तो अगर इन एलिमेंट्स का बॉटम से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो उनकी स्पीड भी डिफरेंट आएगी. यानी कि ये व्हाइट, रेड और व्हाइट, इनके बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा. और अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, तो इनके बीच में शेयर स्ट्रेस भी आएगा, है ना. अब जरा देखो, नीचे एक सर्फेस है, नीचे एक एलिमेंट है, ऊपर एक एलिमेंट है ना. और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो सॉलिड सरफेस के पास होगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी. जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो सॉलिड सरफेस से दूर है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे नजर आएगी, ठीक है ना. सो हमारे एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो मीडियम वेलोसिटी होगी. अब जरा देखिए, जो टॉप एलिमेंट है और हमारा एलिमेंट है, इसमें कौन फास्ट मूव कर रहा है? टॉप एलिमेंट. तो टॉप एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा पीछे की तरफ, तो हमारे एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा आगे की तरफ, ठीक है. अब हमारा येलो एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट देखिए, हमारा एलिमेंट फास्ट मूव कर रहा है, तो हमारे एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा नीचे की तरफ, और टॉप एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा, बॉटम एलिमेंट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा आगे की तरफ, ठीक है ना. ठीक है. सो अगर आप अपने एलिमेंट की बात करते हैं, अगर आप अपने एलिमेंट की बात करते हैं, सो आपके एलिमेंट के सिर्फ टॉप सरफेस का और बॉटम सरफेस का शेयर स्ट्रेस लेना है. सिर्फ टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का शेयर स्ट्रेस लेना है. इज दैट फाइन ऑल ऑफ यू? प्लीज बी फास्ट. समझ आया ऑल ऑफ यू? प्लीज बी फास्ट. समझ आया है? जल्दी से बता दीजिए. हाँ, टॉप और बॉटम पे आएगा. वैसे दीपांकर का भी सही कहना है कि जो फ्रंट सरफेस है एलिमेंट का, ये वाला सरफेस, यहां भी शेयर स्ट्रेस आता है, मगर ये शेयर स्ट्रेस वर्टिकल के अलोंग है. किसके अलोंग है? वर्टिकल के अलोंग. और मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं जेड के अलोंग लिख रहा हूं, तो मुझे ये वाला शेयर स्ट्रेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. ओके, अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ना साफ सुथरा बनाता हूं एलिमेंट को, ठीक है. सो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ऐसे, ये एलिमेंट है ऐसे, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये आपके पास वाई डायरेक्शन है, और ये आपके पास जेड डायरेक्शन है. मैं क्या करना चाहता हूं, मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन लिखना चाहता हूं. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मोशन एक्स के अलोंग हो रही है. आप वाई और जेड भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, मगर हमारे लिए सफिशिएंट है. न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग एक्स. तो मैं वही फोर्सेस दिखाऊंगा जो एक्स के अलोंग लग रही हैं, मैं वही स्ट्रेसेस दिखाऊंगा जो एक्स के अलोंग लग रही हैं. अब गाइज आपको ध्यान होगा, एक मिनट, ये बाकी सर्फेसिस को डैश लाइन से दिखा देते हैं, बाकी सर्फेसिस को डैश लाइन से दिखा देते हैं, और एक 2D फिगर भी दिखाते हैं, ताकि कुछ मिस आउट हो जाए तो पता रहेगा, ठीक है ना. सो ये आपके पास x डायरेक्शन और ये आपके पास y डायरेक्शन है. अब गाइज ये देखो, ये जो टॉप सरफेस दिखाई दे रहा है, तो टॉप सरफेस पे प्रेशर कैसा आएगा? y के लॉन्ग. तो ये तो x का प्रेशर नहीं है, तो इसको मत शो करो. उसी तरह बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर आएगा वो y के लॉन्ग होगा, उसको भी शो मत करो. ये वाले सरफेस पे जो प्रेशर आएगा z के लॉन्ग होगा, ये वाले सरफेस पे जो प्रेशर आएगा z के लॉन्ग होगा, मत शो करो, जरूरत नहीं है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में x की फोर्सेस चाहिए, ठीक है. अब जरा देखिए, ये वाला सरफेस, यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो x के लॉन्ग लगेगा. हाँ अक्रम, एक्चुअली मैंने ली तो है बेटा, बट वो ना टूट गई, तो टाइम नहीं लग पा रहा है जाने का. तो यहां पे प्रेशर कितना लिखा था आपने? P माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू लिखा था. तो यहां पे प्रेशर आएगा
p माइनस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, ठीक है ना। अब जरा देखिए फ्रंट पे ये वाले सरफेस पे भी जो प्रेशर लग रहा है ये नेगेटिव x के अलोंग है, तो ये भी शो करना पड़ेगा। सो ये वाला प्रेशर भी शो कर देंगे, तो ये बन जाएगा p प्लस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, p प्लस डेल p बाय डेल x dx बाय 2। सो मेरे ख्याल से एक टर्म पीछे जा रही है मेरे, एक टर्म पीछे जा रही है मेरे, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे ये प्रेशर है p प्लस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, डेल p बाय डेल x dx बाय 2, ठीक है। अब जरा देखिए हमने बोला था कि यहां पे जो एलिमेंट है और यहां पे जो एलिमेंट है तो ये तीनों एलिमेंट इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो यहां शेयर स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है हमारे लिए। फ्रंट सरफेस पे शेयर स्ट्रेस आएगा ऊपर की तरफ, वो वाई के अलोंग है, एक्स के अलोंग नहीं है, तो उसको भी शो करने की जरूरत नहीं है। मगर इस एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट है वो थोड़ा फास्ट मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को अपने साथ ड्रैग करेगा बाय अप्लाइंग अ शेयर स्ट्रेस। और उसी तरह नीचे वाले सरफेस पे भी एक शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 2D फिगर में भी अगर वैल्यूज दिखाएंगे तो ये बन जाएगा p प्लस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, और ये बन जाएगा शेयर स्ट्रेस आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, शेयर स्ट्रेस आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट, हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट। सही बोला है, सही बोला है, ऑल ऑफ यू प्लीज बी फास्ट। गाइस जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, घबराना नहीं है, बस अभी थोड़ी देर में फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे, बस अब छोटा सा रह गया, आपने सारा सिनेरियो समझ लिया है, अब बस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ में डालना है, सब कुछ डिराइव हो जाएगा। पहले बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ यू समझने में कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, वेरी गुड। सो एक काम करते हैं, ये 2D फिगर फिर से बना लेते हैं, 2D फिगर फिर से बना लेते हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल है जो x के अलोंग है और ये y है। सो x के अलोंग जो चैनल की लेंथ है l, y के अलोंग जो चैनल की हाइट है h, और z के अलोंग जो चैनल की विड्थ है वो b है। हमने क्या किया, हमने यहां से x डिस्टेंस पर और यहां से y डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू है p, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है tau, और उस पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट के इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है p माइनस डेल p बाय डेल x, कैसे लगाया, यूजिंग टेलर सीरीज इक्वेशन, p माइनस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है p प्लस डेल p बाय डेल x dx बाय 2, और फ्रंट टॉप सरफेस पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है आगे की तरफ, बॉटम सरफेस पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है पीछे की तरफ। इन वैल्यूज को भी आप टेलर सीरीज इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं, कैसे, बॉटम का शेयर स्ट्रेस है टॉप, मिडल का शेयर स्ट्रेस है टाओ, और हम किसके लॉन्ग मूव कर रहे हैं, वाई के लॉन्ग, तो यहां पे शेयर स्ट्रेस आ जाएगा टाओ प्लस डेल्टाओ बाय डेल वाई डी वाई बाय 2, और यहां पे शेयर स्ट्रेस आ जाएगा tau minus del tau by del y dy by 2, again मैंने Taylor series equation लगा दी है, again मैंने Taylor series equation लगा दी है। अब आप देख सकते हैं element पे x direction के along दो stress हैं, कौन कौन से, positive x के along, एक तो ये positive x के along है, एक ये positive x के along है, तो स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। उसी तरह ये वाली जो फोर्स है ये नेगेटिव एक्स के अलोंग है, ये वाली जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स के अलोंग है, तो एक्स को फोर्स को जब एरिया से मल्टीप्लाई कर, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, पॉजिटिव फोर्स माइनस, पॉजिटिव फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। So, हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव फोर्स लिखते हैं, यानी कि प्रेशर, यानी कि प्रेशर, पहले पॉजिटिव फोर्स लिखते हैं, तो ये वाला प्रेशर। अब प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो अगर एक्स डायरेक्शन का प्रेशर है तो एरिया वाई जेड बन जाएगा, डी वाई डी जेड बन जाएगा, ठीक है ना।
अब दूसरा प्रेशर लिखेंगे, दूसरा प्रेशर लिखेंगे, ये प्रेशर किसके अलोंग है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, यानी एरिया वाई जेड बन जाएगा डी वाई डी जेड, सो माइनस पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। सो मैंने प्रेशर के कारण एक्स के अलोंग फोर्सेस लिख दी हैं। अब शेयर स्ट्रेस हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है, शेयर स्ट्रेस हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है, ये शेयर स्ट्रेस एक्स के अलोंग है, तो सरफेस बन जाएगा एक्स जेड, यानी कि डी एक्स डी जेड, सरफेस बन जाएगा एक्स जेड डी एक्स डी जेड, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव फोर्स है, तो आप लिखेंगे प्लस टाओ प्लस डेल्टाओ बाई डेल वाई डी वाई बाई टू डी एक्स डी जेड डी वाई बाई टू डी एक्स डी जेड। उसी तरह जो नीचे वाला शेयर स्ट्रेस है, नीचे वाला शेयर स्ट्रेस है ये वाला, ये शेयर स्ट्रेस पीछे की तरफ लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो एरिया कौन सा होगा एक्स जेड, हॉरिजॉन्टल एरिया, शेयर स्ट्रेस इज पैरेलल टू द सरफेस, तो ये फोर्स आ जाएगी माइनस ऑफ टाओ माइनस डेल्टाओ बाय डेल वाई डी वाई बाय टू डी एक्स डी जेड डी वाई बाय टू डी एक्स डी जेड। तो ये मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो प्रेशर फोर्सेस हैं, वाई डायरेक्शन के अलोंग जो प्रेशर सॉरी एक्स और एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो प्रेशर फोर्स और शेयर फोर्स है उनका सम कर दिया, तो प्रेशर इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, शेयर स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, ठीक है ना। सो वैसे तो इसको लिखना चाहिए कि भैया एक्स के अलोंग वेट कितना आएगा, जीरो, तो वो वेट को जीरो कर दिया, तो सारी फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, मगर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। सो मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं कि प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब भैया एक्स डायरेक्शन में वेट तो जीरो होगा, ठीक है ना, और क्योंकि हम स्टेडी स्टेट फ्लो की बात कर रहे हैं, लोकल एक्सेलरेशन जीरो, दूसरी बात जब फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो, तो आपकी एक्सेलरेशन जीरो आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया, प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स का सम, वही सम जो हमने पीछे लिखा था। तो आप क्या बोलेंगे, आप पहले कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए पी डी वाई डी जेड माइनस पी डी वाई डी जेड tau dx dz minus tau dx dz। अब जरा ये देखिए minus del p by del x minus del p by del x, तो ये तो सेम होगी, टर्म एड हो जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा minus del p by del x dx dy dz, क्योंकि dx by 2 था। उसी तरह आपके पास बन जाएगा del tau by del y इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन द फ्लूइड पार्टिकल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट विस्कस फोर्स ऑन द फ्लूइड पार्टिकल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और राइट हैंड साइड में आ रहा है जीरो, राइट हैंड साइड में आ रहा है जीरो। सो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं फटाफट बता दीजिए, कोई डाउट लग रहा है क्या, प्लीज बी फास्ट, यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ यू, अक्रम दीपांकर दीपक, अक्रम दीपांकर दीपक, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए कोई डाउट है, जल्दी से बता दीजिए कोई डाउट है। अब dx dy dz क्या है, dx dy dz है एलिमेंट की वॉल्यूम, तो पूरी इक्वेशन को एलिमेंट की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास बनेगा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस डेल्टाओ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टाओ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म पता है क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, रिजल्टेंट विस्कस फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नोट कर लो, फिर नोट कर लो, बस हो गया, ये लास्ट इक्वेशन है, अब बस इसको इंटीग्रेट करना और फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होती है, आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, आपको पता लग जाएगा कि हेड लॉस का क्या फॉर्मूला है, डिस्चार्ज और प्रेशर ड्रॉप के बीच में क्या रिलेशन है, बस इस इक्वेशन से सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे।
ठीक है, तो आज थोड़ा सा जल्दी ओवर कर देंगे। एक्चुअली मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रही है बैठे बैठे, सो ये फॉर्मूलाज डिराइव करके थोड़ा जल्दी आज बंद कर देंगे, ठीक है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आप थोड़ा सा आप साफ सुथरा लिख लो, अब आप इस चीज को भी याद रखोगे तो काफी है। तो ये क्या बन गया, ये हमने लिखा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो लिखा। क्या लिखा, डेल टाउ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो लिखा। सो ध्यान रखना है ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स अलोंग एक्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, अलोंग एक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और उसी तरह डेल्टा बाई डेल वाई क्या होता है, रिजल्टेंट विस्कस फोर्स अलोंग एक्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिजल्टेंट विस्कस फोर्स अलोंग एक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, ओके। अब गाइस डेल पी बाय डेल एक्स तो हम देख ही चुके हैं, वो क्या है, माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल। तो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स क्या लिखेंगे, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स आप लिखेंगे पी वन माइनस पी टू बाय एल, क्या लिखेंगे, पी वन माइनस पी टू बाय एल प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब, इसका मतलब डेल टाउ बाय डेल वाई इज इक्वल टू पी वन माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल, राइट। मगर आपको याद हो तो न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में टाउ क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में टाउ बन जाता है म्यू डेल यू बाय डेल वाई बन जाता है ना। सो ये बन जाएगा माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल। अब वेलोसिटी तो सिर्फ y का फंक्शन है, तो अगर वेलोसिटी सिर्फ y का फंक्शन है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखो या टोटल डेरिवेटिव लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला। सो म्यू क्या है, फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा म्यू डी स्क्वायर यू बाय डी वाई स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर यू बाय डी वाई स्क्वायर बन जाएगा। और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ पी वन माइनस पी टू बाय एल। आई थिंक आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है बिटवीन u एंड y। व्हाट इज u, वेलोसिटी एट अ पॉइंट, व्हाट इज y, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बॉटम सरफेस। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको u एज अ फंक्शन ऑफ y पता लग जाएगा, यानी कि बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी प्रोफाइल पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी, वेलोसिटी प्रोफाइल पता लग जाएगी। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास बन गया है डी स्क्वायर यू बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाय म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल। सो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा डी यू बाय डी वाई और राइट हैंड साइड बन जाएगा माइनस वन बाय म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल, पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल। क्यों, क्योंकि y का इंटीग्रल जो होता है वो y स्क्वायर बाय टू होता है, y स्क्वायर प्लस सी वन वाई प्लस एनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y आया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y आया है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ गया आपके पास। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए तो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी, और एक्चुअल में बाउंड्री कंडीशंस हैं। कैसे, ये आपकी अपर प्लेट है, ये आपकी बॉटम प्लेट है। सो हमें पता है पानी की जो लेयर
बॉटम प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मगर y का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम प्लेट, y का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम प्लेट, तो इस लेयर का y तो जीरो ही होगा। सो आप बोलेंगे एट y इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो, y नो स्लिप कंडीशन। उसी तरह जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अपर प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में है, मगर टॉप मोस्ट लेयर का y कैसे लिखेंगे? वो तो बन जाएगा h, यानी कि गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो आप क्या बोलेंगे? एट y इज इक्वल टू h वेलोसिटी इज जीरो। तो प्लीज ध्यान रखो, y का मतलब है बॉटम सरफेस से डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस? बॉटम सरफेस से, चाहे आपका पॉइंट अपर प्लेट के पास क्यों ना हो, y का मतलब है बॉटम सरफेस से डिस्टेंस। सो हमें पता है एट y इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो, नो स्लिप कंडीशन, y इक्वल टू h वेलोसिटी जीरो, नो स्लिप कंडीशन। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाउंड्री कंडीशन वन लगाएंगे। सो बाउंड्री कंडीशन वन, बाउंड्री कंडीशन वन क्या कहती है? एट y इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज जीरो, और आप चाहो तो लिख सकते हो नो स्लिप कंडीशन, लिख सकते हो नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। तो गाइस देखो क्या बन जाएगा। सो हमें पता है जब y की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। सो जब y की वैल्यू जीरो है वेलोसिटी जीरो है, तो ये तीनों टर्म जीरो बन जाएंगी। तो आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास रह जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस सी टू। तो सी टू की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, सी टू की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब उसी तरह बाउंड्री कंडीशन टू लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन टू का मतलब क्या है कि एट y इक्वल टू एच, बाउंड्री कंडीशन टू का मतलब है एट y इक्वल टू एच योर वेलोसिटी इज जीरो। तो जब y की वैल्यू डालेंगे h तो वेलोसिटी बन जाएगी जीरो, y की वैल्यू डाली h तो वेलोसिटी बन जाएगी जीरो। तो माइनस वन बाई टू म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या डालना है? एच स्क्वायर प्लस सी वन वाई सी वन एच। तो इधर से आपको c1 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो c1 आ रहा है दैट इज वन बाई टू म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच स्क्वायर बाय एच, यानी कि h ओनली। सो ये c1 आ रहा है। सो आपने c2 भी निकाल लिया, आपने c1 भी निकाल लिया, c2 भी निकाल लिया और c1 भी निकाल लिया। हाँ या ना? प्लीज बी फास्ट। हाँ या ना? प्लीज बी फास्ट। अब हम क्या करेंगे? c2 और c1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। c1 c2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सो चलो फिर करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो गाइज ये देखो ये आपने फॉर्मूला निकाला था, यहां पे, और ये c1 है ये c2 है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास है u इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू म्यू पी वन माइनस पी टू बाई एल पी वन माइनस पी टू बाई एल वाई स्क्वायर प्लस सी वन वाई। मगर c1 की वैल्यू क्या है? c1 की वैल्यू है वन बाई टू म्यू p1 वन माइनस पी टू बाई एल एच, तो c1 y है इसलिए एच वाई, और c2 तो जीरो था तो c2 जीरो। अब क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं वन बाई टू म्यू कॉमन है, p1 वन माइनस पी टू बाई एल कॉमन है। सो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा u इज इक्वल टू वन बाई टू म्यू पी वन माइनस पी टू बाई एल इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वेयर, एच वाई माइनस वाई स्क्वेयर। सो दिस इज वेलोसिटी एट अ पॉइंट जो बॉटम सरफेस से कितना दूर है? वाई डिस्टेंस दूर है। इसमें पी वन क्या है? प्रेशर एट इनलेट ऑफ द चैनल। पी टू क्या है? प्रेशर एट आउटलेट ऑफ द चैनल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द चैनल। और एच क्या है? गैप बिटवीन द प्लेट्स। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये नीचे वाला जो है ये म्यू है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। Yes or no? Please be fast. Yes or no? Please be fast. जल्दी से बता दो, समझ आया क्या? जल्दी से बता दीजिए, समझ आया क्या? जल्दी से बता दीजिए। ये आपने velocity profile निकाल ली है, आपने velocity profile निकाल ली है किसके लिए?
फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के लिए, लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो दीपांकर बेटा, यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई कैसा फंक्शन है, लीनियर, पैराबोलिक, क्यूबिक या एक्सपोनेंशियल? यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई कैसा फंक्शन है? आई थिंक यू जो है वाई की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यू इज अ पैराबोलिक फंक्शन ऑफ वाई, है ना? y की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 2 पे। तो पैराबोलिक फंक्शन ऑफ y है, इसलिए बोलते हैं फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स जो है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बनती है। कैसी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है? पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। सो अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें, तो ये हमारे पास फ्लो, ये हमारे पास पैसेज है जिसमें ये x डायरेक्शन है, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन बनेगा वाई जेड प्लेन में। ये वाला जो पॉइंट है यहां वेलोसिटी जीरो होगी, ये वाला जो पॉइंट है यहां वेलोसिटी जीरो होगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है? जब पॉइंट सर्फेसिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो ऑब्वियसली जो मिडल पॉइंट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा और जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पैराबोलिक दिखाई देगी। तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे दिखाई देगी। और आपने जो फॉर्मूला निकाला है, आपने क्या फॉर्मूला निकाला है? एट अ डिस्टेंस वाई वेलोसिटी इज यू। और ये यू कैसे लिखते हैं? यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं 1 बाय 2 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर हाँ बेटा, बट बेटे एक बात बोलूं, मतलब ऐसा है, हमने पहले ही मान लिया था कि प्रेशर वेरिएशन लीनियर है, और उसको उस डेल पी बाय डेल एक्स को यहाँ पी वन माइनस पी टू बाय एल लिखा हुआ है, है ना? सो एक्चुअल में पता है ये कैसे बनता है कि अगर इसको मैं पी वन माइनस पी टू बाय एल ना भी लिखता, इसको डेल पी बाय डेल एक्स ही रहने देता, तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल एक पर्टिकुलर सेक्शन की आ जाती जहां प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी बाय डेल एक्स है, ऐसा हो जाता। मगर क्योंकि डेवलप्ड फ्लो है, तो डेवलप्ड फ्लो में हर जगह वेलोसिटी प्रोफाइल सेम है, यानी कि हर जगह प्रेशर ग्रेडियंट सेम है, तो लीनियर प्रेशर बनेगा, इसलिए ऐसा कुछ है। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना काफी है। तो गाइस जल्दी बताओ, अक्रम, दीपांकर, दीपक, ये चीज समझ आई है बेटा? जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, भविन बेटा, इतना समझ आ गया है यहां तक? ये हमने क्या किया, वेलोसिटी प्रोफाइल निकाल लिया है, यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया है। क्या निकाला है आपने? यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई। इसका सिंपल मीनिंग इतना है, अगर आप 3D फिगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल है। रेक्टेंगुलर चैनल में आपने एक क्रॉस सेक्शन लिया, और ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। सो अगर हम बॉटम से एक पॉइंट लेंगे जो कि वाई डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी यू, तो उस वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला निकाल लिया है। सो आपने फॉर्मूला निकाला है यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर अब हम आगे चीजें कैलकुलेट करते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है, इस केस में जहां प्रेशर है पी वन माइनस पी टू और सेक्शन और पैसेज की लेंथ है एल, तो आपको कितना डिस्चार्ज मिलेगा? अगर आपने प्रेशर ड्रॉप लगाया पी वन माइनस पी टू का, तो आपको डिस्चार्ज कितना मिलेगा? डिस्चार्ज निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। सो हम एक काम करते हैं, डिस्चार्ज सॉल्व करते हैं। अब डिस्चार्ज सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? हमें पता है अगर एक छोटा सा पॉइंट लेंगे क्रॉस सेक्शन पे, तो यहाँ पे एरिया है डीए। तो अगर यहाँ एरिया डीए है और यहाँ वेलोसिटी है यू, तो इस छोटे से पॉइंट से डिस्चार्ज कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इनटू एरिया। तो आपने एक पॉइंट का डिस्चार्ज लिख लिया,
और इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का डिस्चार्ज आएगा। तो जब सारे पॉइंट्स के डिस्चार्ज को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स के डिस्चार्ज को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्चार्ज मिलेगा। हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट। हाँ या ना, प्लीज बी फास्ट। सो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया जो बॉटम से वाई डिस्टेंस पे था, उस पॉइंट पे डिस्चार्ज लिखा और सारे पॉइंट्स के डिस्चार्ज को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्चार्ज मिलेगा। अब जरा देखिए, डिस्चार्ज हम लिखेंगे सो हमें क्या करना है, हमें यू का फॉर्मूला डालना है। तो यू क्या है, 1/2 μ P₁ - P₂/L / (y²) - hy है ना, और dA भी आ जाएगा। अब जरा देखिए, हम सेक्शन पे चाहे कोई भी पॉइंट लें, म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये कांस्टेंट होगा इसलिए ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। उसी तरह सेक्शन चाहे कुछ भी, पॉइंट चाहे कुछ भी लें, एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पैसेज, ये भी बाहर आ जाएगा। पी वन माइनस पी टू क्या है, अप्लाइड प्रेशर ड्रॉप, ये भी बाहर आ जाएगा। सो आपके पास इंटीग्रल में क्या रह जाएगा, y²-hy dA रह जाएगा। अब आप बोलेंगे आपने इन टर्म्स को बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट का y डिफरेंट पॉइंट्स का y भी डिफरेंट होगा इसीलिए। तो y इज अ वेरिएबल टर्म, इसलिए y अंदर रहेगा, ठीक है ना। अब जब आप थोड़ा सा ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1/2 μ P₁ - P₂/L इंटीग्रल ऑफ y²dA माइनस इंटीग्रल ऑफ hy dA। मगर फिर से वही बात आ जाती है, h क्या होता है, टोटल गैप बिटवीन द प्लेट्स, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 μ P₁ - P₂/L बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ y²dA माइनस h इंटीग्रल ऑफ y dA माइनस h इंटीग्रल ऑफ y dA, ठीक है ना, माइनस h इंटीग्रल ऑफ y dA। सो गाइस चेक करो, स्ट्रीम तो आना चाहिए, मेरे को तो दिखा रहा है कि स्ट्रीम आ रहा है। ऑल ऑफ यू प्लीज चेक। एक्चुअली मैंने दूसरे लैपटॉप पे यूट्यूब खोला हुआ है तो वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीम चल रहा है। चेक करो, रिफ्रेश करो। अब देखो गाइस, ये क्या है, ये क्या है, एरिया इंटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस है, एरिया इंटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। मगर ये डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, बॉटम एज से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, बॉटम एज से ले रहे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ y²dA, इंटीग्रल ऑफ y²dA ये कुछ भी नहीं है, ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, किस एक्सिस के अबाउट, 1-1 एक्सिस के अबाउट, यानी कि बॉटम एज के अबाउट। सो आई होप आपको याद है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि भैया अगर ये हाइट h है और ये b है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1-1 एक्सिस ये क्या बन जाएगा, BH³/3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BH³/3। उसी तरह इंटीग्रल ऑफ y dA, सो एरिया इंटू डिस्टेंस, ये तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैसे लिखते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लिखते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम दी साइड। तो देखो ये डिस्टेंस, सेंट्रॉइड बिल्कुल बीच में लाई करेगा, डिस्टेंस कितना आएगा, h/2, तो ये बन जाएगा BH × h/2, यानी कि BH²/2। यस और नो, प्लीज बी फास्ट। आई होप आप लोगों को पता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया पता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा कि भैया डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1/2 μ P₁ - P₂/L। फर्स्ट इंटीग्रल जो था वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो BH³/3। सेकेंड इंटीग्रल जो है वो BH²/2, यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो ये टर्म क्या है, BH³/3। ये टर्म क्या है, सो गाइस हाँ, एक गड़बड़ कर दिया, फॉर्मूला लिखते लिखते एक चीज भूल गए,
फॉर्मूला लिखते लिखते एक चीज भूल गए, आओ देखते हैं वो क्या गलती की है। ये देखो एच वाई माइनस वाई स्क्वायर था, क्या था एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, मगर मेरे से क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस एच वाई है। तो आप क्या करो इसको नेगेटिव साइन लगा लो, यहां पे नेगेटिव साइन लगा लो तभी क्लियर रहेगा, तभी करेक्ट रहेगा। नेगेटिव साइन लगा लीजिए प्लीज, नेगेटिव साइन लगा लीजिए प्लीज, क्योंकि एच वाई माइनस वाई स्क्वायर था और हमने गलती से वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच वाई लिख दिया है, वाई स्क्वायर माइनस एच वाई लिख दिया है। सो आपके पास क्या आएगा, आपके पास डिस्चार्ज आएगा फाइनली 1/2 μ। सो ये देखो बी एच क्यूब बाय 2 माइनस बी एच क्यूब बाय 3, वो बी एच क्यूब बाय 6 होता है, तो ये बन जाएगा 1/12 μ बन जाएगा, इंटू P1 माइनस P2 बाय L मल्टीप्लाइड बाय BH क्यूब। सो दिस इज योर डिस्चार्ज, दिस इज द डिस्चार्ज। सो आपने देखो क्या किया है, आपने प्रेशर ड्रॉप को डिस्चार्ज से रिलेट कर लिया है। तो अगर आपको प्रेशर ड्रॉप पता हो आप डिस्चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं अगर मुझे 10 लीटर पर सेकंड हवा चाहिए तो प्रेशर ड्रॉप कितना लगाना है, या फिर इतना प्रेशर ड्रॉप लगाया तो कितना डिस्चार्ज मिलेगा। यस और नो प्लीज बी फास्ट, यस और नो प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए प्लीज बी फास्ट। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने दो फॉर्मूलाज निकाले हैं, एक निकाला है वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि 1/2 μ P1 माइनस P2 बाय L इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर है, और आपने निकाला डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसके बराबर है 1/12 μ P1 माइनस P2 बाय L BH क्यूब है। बिलीव मी अगर आप ये फॉर्मूलाज रट लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि गेट एग्जाम में IAS ISRO DRDO में ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो इनको याद कर लीजिए। अब देखिए अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं मीन फ्लो वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हो, मीन फ्लो वेलोसिटी। मीन फ्लो वेलोसिटी कैसे लिखते हो, डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हो। अभी आपने निकाला डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कितना है 1/12 μ P1 माइनस P2 बाय L इंटू BH क्यूब है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लिखेंगे भैया, रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा BH, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर। तो आपकी जो मीन फ्लो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 1/12 μ P1 माइनस P2 बाय L इंटू H स्क्वायर आ रही है, इंटू H स्क्वायर आ रही है। सो दिस इज योर मीन फ्लो वेलोसिटी, दिस इज द मीन फ्लो वेलोसिटी, मीन फ्लो वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ वही, सो मीन फ्लो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है, मीन फ्लो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। सो ये आपने मीन फ्लो वेलोसिटी निकाला, तो इसको लिख लो मीन फ्लो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब गाइस हमें पता है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण जो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आती है वो वाई का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। इसलिए वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई देगा, इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी जीरो है बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। अगर यहां पे एक पॉइंट लेता हूं वाई डिस्टेंस पे तो फ्लो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, और जो मिडल पॉइंट होगा यानी कि h/2, तो ये पॉइंट दोनों ही सरफेसेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो यहां जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। यस और नो, सही बोल रहा हूं, जो मिडल पॉइंट है वो दोनों सरफेसेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो मिडल पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो आप सीधा बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 1/2 μ P1 माइनस P2 बाय L HY माइनस Y स्क्वायर होती है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी। मगर
अगर मैं y इक्वल टू h बाय 2 की बात करूं, यानी सेंटर लाइन की बात करूं, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे है अपर और बॉटम, बॉटम और अपर सरफेस के. तो आप सीधा जब ये कंडीशन डालेंगे, आप बोलेंगे u की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब? जब y की वैल्यू h बाय 2 होगी. जब y की वैल्यू h बाय 2 होगी. सो 1 बाय 2 म्यू p1 माइनस p2 बाय l h इंटू y, यानी h बाय 2, तो h स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर, यानी h बाय 2 का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय 4. सो ये बन जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 1 बाय 8 म्यू p1 माइनस p2 बाय l अपॉन h स्क्वायर. सो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, जो सेंटर लाइन वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला ये है. ये उसका फॉर्मूला है. ठीक है जी. Is that clear to all of you? Is that clear? All of you, please be fast. All of you, please be fast. Is that clear? So, आपने क्या किया? आपने मैक्सिम, आपने मीन फ्लो वेलोसिटी निकाली, आपने सेंटर लाइन वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली. सो कई बार पूछा जाता है या न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होता है कि जो मीन फ्लो वेलोसिटी है और जो सेंटर लाइन वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका रेशियो क्या आता है? तो मेरे ख्याल से मीन फ्लो वेलोसिटी क्या था? 1/12 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच स्क्वेयर था. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था? 1/12 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू, सॉरी, 1/8 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल एच स्क्वेयर था. तो 8 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो 8/12 यानी 2/3. सो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में ये रेशियो 2/3 होता है, मगर फ्लो थ्रू पाइप में ये रेशियो 1/2 होता है. सो दीपक ने बोला है मैक्स बाय मीन, मैंने बोला है मीन बाय मैक्स. तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश. ठीक है, सो ये आपके पास एक और आंसर आ गया. अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल शेयर स्ट्रेस. क्या लिखेंगे? वॉल शेयर स्ट्रेस. आप क्या लिखेंगे? वॉल शेयर स्ट्रेस. तो ये आपके पास पैसेज है. ये क्या है? आपके पास पैसेज. तो वॉल शेयर स्ट्रेस का मतलब होगा टॉप सरफेस पे या बॉटम सरफेस पे, टॉप सरफेस पे या बॉटम सरफेस पे शेयर स्ट्रेस. तो बेसिकली जब हम लिखेंगे वॉल शेयर स्ट्रेस, तो टाउ एट वाई इक्वल टू जीरो और टाउ एट वाई इक्वल टू एच, मगर दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तो आप कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है, सो हम लिखेंगे वॉल शेयर स्ट्रेस टाउ डब्ल्यू, यानी कि टाउ एट वाई इक्वल टू जीरो. मगर टाउ कैसे लिखते हैं? म्यू डी यू बाय डी वाई लिखते हैं. तो म्यू डी यू बाय डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो लिखेंगे. अब जरा देखिए, आपने लिखा u इज इक्वल टू 1/2 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे. आई नो कई लोग कह सकते हैं कि सर डेल यू बाय डेल वाई क्यों नहीं लिखा. दरअसल u सिर्फ y का फंक्शन है, इसलिए डेल यू बाय डेल वाई और डी यू बाय डी वाई बराबर होंगे. u इज ओनली अ फंक्शन ऑफ y, तो डेल यू बाय डेल वाई और डी यू बाय डी वाई बराबर आएंगे. सो ये हमारे पास बन जाएगा डी यू बाई डी वाई बन जाएगा, डी यू बाई डी वाई बन जाएगा. गाइज देखो, एच वाई, तो वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है. तो ये बन जाएगा 1/2 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच माइनस टू वाई, एच माइनस टू वाई. अब ये डी यू बाई डी वाई हमें कहां चाहिए? y इक्वल टू जीरो पे चाहिए. तो आप y को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? जीरो. तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा म्यू इंटू 1/2 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल, पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच माइनस जीरो. तो ये h आ गया, तो म्यू और म्यू कैंसल आउट हो गया. तो आपका जो वॉल शेयर स्ट्रेस आएगा, वॉल शेयर स्ट्रेस विल बी P1 minus P2 by L into H by 2. So this is the wall shear stress. This is wall shear stress for flow between parallel plates. For flow between parallel plates. ठीक है? All of you please be fast. All of you please be fast. समझ आया guys? गाइस समझ आया है?
सो ये हमने वॉल शेयर स्ट्रेस निकाल लिया, अपर और बॉटम प्लेट पे जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। इस शेयर स्ट्रेस को प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, कर देंगे तो प्लेट पे ड्रैग फोर्स भी आ जाएगा। क्या चीज आएगी प्लेट पे? ड्रैग फोर्स। अब हम निकालेंगे, ये आपके पास फ्लो पैसेज है, यहां से पानी एंटर कर रहा है और यहां से पानी बाहर जा रहा है। बर्नौली इक्वेशन लगा के हेड लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो वन से टू तक जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो निकालेंगे। सो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस वाई वन। सो एनर्जी हेड कमिंग इन साइड एट सेक्शन वन इज इक्वल टू एनर्जी हेड गोइंग आउटसाइड एट सेक्शन टू प्लस हेड लॉस। हालांकि इस इक्वेशन में एक टर्म और आएगी, वो एक टर्म क्या है? अल्फा टू। ये टर्म क्या है? अल्फा टू। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को मीन फ्लो वेलोसिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे एक टर्म लगानी पड़ती है अल्फा। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। और ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर वेलोसिटी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अभी आज इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, किसी दिन देखेंगे डिराइव करेंगे या फिर कल की क्लास में बताएंगे, कल या परसों की क्लास में। अब ये देखो यहां का डिस्चार्ज और यहां का डिस्चार्ज सेम है, एरिया भी सेम है, तो मेन फ्लो वेलोसिटी सेम आएगी। और क्योंकि डेवलप्ड फ्लो की बात कर रहे हैं तो दोनों सेक्शंस का वेलोसिटी प्रोफाइल भी सेम आएगा, यानी अल्फा वन अल्फा टू भी सेम आएंगे। सो एक्चुअल में हमारी बर्नौली इक्वेशन में यू वन यू टू बराबर है क्योंकि डिस्चार्ज और एरिया बराबर है, और अल्फा वन अल्फा टू भी बराबर है, अल्फा वन अल्फा टू भी बराबर है क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल सेम है। सो अल्टीमेटली ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आज। So, आप सीधा बोलेंगे अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू, यू वन इज इक्वल टू यू टू। फिर दूसरी बात, हमारी जो एक्स डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वाई वन और वाई टू भी कैंसल आउट हो जाएंगे, वाई वन और वाई टू भी कैंसल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास सीधा आ जाएगा पी वन माइनस पी टू बाय रो जी, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के बराबर आ गया। अब मजेदार बात देखें, अब गाइज ये देखो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था डिस्चार्ज जो होता है वो 1/12 म्यू पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू एच स्क्वेयर के बराबर, बी एच क्यूब के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे प्रेशर ड्रॉप लिखना हो तो प्रेशर ड्रॉप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12 म्यू क्यू एल बाय बी एच क्यूब लिख सकता हूं, मगर हमें पता है जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है वो डिफरेंस इन प्रेशर हेड यानी कि पी वन माइनस पी टू बाय रो जी, तो वो बन जाएगा 12 म्यू क्यू एल बाय रो जी बी एच क्यूब बन जाएगा। यानी कि अगर आपको डिस्चार्ज चाहिए इतना तो फ्रिक्शन लॉस होगा इतना। अब हमें पता है कि अगर फ्रिक्शन लॉस यानी कि हेड लॉस पता लग जाए तो हेड लॉस को जब आप एम डॉट जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर मिल जाती है। ये कौन सी पावर है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लूज हो रही है, ये कौन सी पावर है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट डिसिपेट हो रही है। सो ये क्या बन जाएगा? एम डॉट जी, यानी कि एम डॉट कैसे लिखते हैं? डिस्चार्ज इंटू डेंसिटी लिखते हैं। सो ये बन जाएगा एम डॉट जी इंटू एच एफ, एच एफ कितना होता है? 12 म्यू क्यू एल बाय रो जी बी एच क्यूब होता है। सो ये देखो रो से रो कैंसल आउट हो गया, जी से जी कैंसल आउट हो गया। सो आपकी पावर कितनी आ गई? 12 म्यू क्यू स्क्वायर एल बाय बी एच क्यूब पावर आ गई। सो दिस इज द पावर लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन और पावर सप्लाइड बाय पंप टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड मेक द फ्लूइड फ्लो, इसको आप पंपिंग पावर भी कहते हैं। So, आपने सारी चीजें निकाल ली, आपने क्या क्या निकाला? आपने वेलोसिटी प्रोफाइल निकाला जो हमें पता लगा पैराबोलिक है, हमने डिस्चार्ज निकाला, फिर हमने मीन फ्लो वेलोसिटी निकाली, हमने सेंटर लाइन वेलोसिटी निकाली, मीन फ्लो वेलोसिटी और सेंटर लाइन वेलोसिटी का रेशियो निकाला 2/3, फिर हमने प्रेशर ड्रॉप और डिस्चार्ज को रिलेट कर चुके हैं, हमने वॉल शेयर स्ट्रेस निकाला, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाला और अब पंपिंग पावर रिक्वायरमेंट भी निकाल लिया। तो हम सारी चीजें सॉल्व कर चुके हैं। Yes or no, please be fast. Yes or no, please be fast, all of you.
ऑल ऑफ यू समझ आया है? डेफिनेटली थोड़ी डेरिवेशन वास्ट थी, मगर डेरिवेशन कराने का मतलब था कि एजम्पशंस कौन कौन सी हैं वो एजम्पशंस समझ आए, उन एजम्पशंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ आए, और ये भी पता लगे कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल का न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो du by dy निकाल के देगी, और उससे हम वेलोसिटी प्रोफाइल निकालेंगे और बाकी सारी चीजें कवर अप कर लेंगे, ठीक है? सो नीरज, ठीक है बेटा, ट्राई करूंगा मैं, पक्का से कोशिश करूंगा, टर्बुलेंट फ्लो के भी फॉर्मूलाज बताऊंगा। एक्चुअली फ्लो थ्रू पाइप से रिलेटेड जो टर्बुलेंट के फॉर्मूलाज हैं वो तो मैं बताऊंगा जब हम लेमिनार विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स करेंगे, तो टर्बुलेंट फॉर्मूला, टर्बुलेंट फ्लो हल्का सा आइडिया दूंगा कि पाइप फ्लो में क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? दीपांकर दीपक अक्रम जल्दी से बता दो बेटे, समझ आ गया है? अगर यहां तक समझ आया है तो आज के लिए करते हैं बंद, कल करेंगे इसके क्वेश्चंस और इसके डेविएशंस कि इसमें पॉसिबल वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। जैसे ये तो हॉरिजॉन्टल पैसेज था, अगर पैसेज इंक्लाइंड हो तो क्या होगा, और दोनों प्लेट्स रेस्ट पे थी, अगर एक प्लेट मूविंग हो तो क्या होगा, सो वो चीजें। नहीं, हाँ दीपांकर बेटा, मैंने क्या बताया था, सो एक्चुअल में क्या होता है, जब विस्कस फ्लो होता है, सो विस्कस फ्लो में अब ये मैटर नहीं करता कि डेवलप्ड फ्लो है या डेवलपिंग फ्लो है, अगर विस्कस फ्लो आ जाए तो तीन प्लेन्स का जो प्रेशर है पीएक्स पीवाई पीजेड ये बराबर नहीं रहता। सो आपने जो प्रेशर लिया है ना, वो प्रेशर पता क्या है, वो दरअसल इन तीन प्रेशर्स का एवरेज है, वो तीन प्रेशर्स का एवरेज है। इसलिए जब तू बीच में पूछ रहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, तो मैंने बोला था कि बेटे अभी उसको भूल जा, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और वो हम अपने सिलेबस में कवर नहीं करते। पहली बात तो ये जो आप प्रेशर लिख रहे हैं, ये प्रेशर भी एक्चुअल में एवरेज है, किन प्रेशर्स का, पीएक्स पीवाई और पीजेड का, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज बराबर नहीं है इसीलिए, ठीक है? हाँ जरूर, बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे करा देंगे, बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे करा देंगे। एक्चुअली मैंने फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस रखा हुआ है, तो देखता हूं वेंचुरी मीटर पढ़ाते टाइम करा दूंगा, ओके? इज दैट क्लियर गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, और कल हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलाज करें, इन फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो गेट के क्वेश्चन है या अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं, या बुक में कोई अच्छा क्वेश्चन हो वो मैं लेके आऊंगा, वो कवर अप करेंगे, और फिर लास्ट में सिमिलर बेसिस पे फ्लो थ्रू पाइप्स के भी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? सिमिलर बेसिस पे फ्लो थ्रू पाइप्स के फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर परसों फ्लो थ्रू पाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आई होप सेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आई। मेरे को ये पता है कि आज मैंने थोड़ा राइटिंग गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा सा चीजें जो हैं हॉजपॉज हो रही थी, है ना, बट कोशिश करेंगे कि आपकी जो कल की क्लास है, कल की क्लास में ऐसा कुछ ना हो, और राइटिंग जो है, डायग्राम जो है, मेंटेन रहे, ठीक है? सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे कभी भी बता सकते हैं, ठीक है? डू लेट मी नो इफ एनीथिंग इज देयर एंड आई कैन हेल्प यू, ठीक है? एक्चुअल में ये स्टैटिक प्रेशर वैल्यूज ही हैं, ये स्टैटिक प्रेशर वैल्यूज ही होती हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन जिस एरिया पे टकरा रहे हैं उस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपको डायनेमिक प्रेशर वैल्यूज मिलेगी, और फ्लूइड वेलोसिटी क्या है, समझ रहे हो ना? सो जैसे अगर फ्लूइड सिर्फ एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक प्रेशर मिलेगा, मगर अगर सरफेस ऐसे है तो पी एक्स ही मिलेगा, समझ रहे हैं आप, ऐसे सीन होता है, ठीक है? तो ये तो मैंने बोल दिया आइडियल के केस में, किसके केस में बोल दिया, आइडियल के केस में, मगर अगर विस्कस होता तो पी वाई लगता, और ऐसे रखते तो पी एक्स प्लस डायनेमिक प्रेशर लगता, ऐसे रखेंगे तो पी वाई लगेगा हमारे केस में, ठीक है दीपांकर? दीपांकर स्टैटिक का मतलब होता है प्रेशर वैल्यू, स्टैटिक का मतलब होता है प्रेशर वैल्यू, और डायनेमिक का मतलब होता है काइंड ऑफ मोमेंटम। सो अगर फ्लूइड को रेस्ट पे ले आए तो वो मोमेंटम भी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो मोमेंटम प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है उसको डायनेमिक प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा सीन है बेटे, चलो ठीक है फिर।
थैंक यू अंकित, थैंक यू। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कल बात करते हैं फिर।